वहां जाओ और वहां जाके कहो, बशर इधर आओ जरा रोब से। क्या? प्लीज नहीं। बशर इधर आए। अब बिल्कुल इसी तरह से वहां सीढ़ियों पर जाके बशर इधर है। अब ऊपर जाके बशर अगले 6 महीने तक आप मेरे लिए सिर्फ फिश ही बनाएंगे और मैं वही खाऊंगा। आपकी बेगम साहबा का थोड़ा सा उधार उतारना मुझे। सही क्या? आपकी शादी हुई थी? आप भी इतना ही रोक डालती हैं अपने शोहर? और नहीं तो क्या यार, मतलब मर्द तो शादी के बाद बेचारा गुलाम ही हो जाता है, इससे बेहतर है बंदा कुंवारा ही मर जाए। सही है ना? नो आई एम नॉट जोकिंग। मुझे भी फिश दे, मुझे अच्छी लगती है। मैं खाऊंगा। क्या पाया आपने? थोड़ी देर हो गया है, देखिए हमने माशाल्लाह आप दोनों इतने बिजी थे, आप लोगों को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर पहले ही आए। सही कह रहे हैं, जब ये अपने होश में नहीं था। वाओ, लगता है घर का सरबरा बदल गया। पहले यहां इस कुर्सी पे मेरा भाई बैठा करता था। आप लोग खाना लेना। प्लीज प्लीज स्टॉप बीइंग फेक, ओके? लेट इट बी, रख दो। तुम्हें कोई अंदाजा है कि हम किन हालात से गुजर कर आ रहे हैं? तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि तुम एक बार भी हमारा हाल बता करती कि हम जिंदा हैं या मर गए। ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने रुदा? बशर जैसे इंसान को अपना गुलाम बना लिया। करना बशर और गुलाम। और अगर गुलामी करवानी ही थी तो इस बेचारे से क्यों? उससे करवा ले। बकवास बंद करो। बकवास बंद करो। नंद नहीं है तुम्हारी, अभी है बीवी है मेरी, और मेरी बीवी से स्टोन नहीं था बात मत, समझी? अकेले नहीं गुजरे हो तुम लोग अजाब से, ये भी थी और अकेली इससे फेस किया सब कुछ अकेले। और तैयबा की जो भी बर्बादी हुई है उसकी कंपनसेशन मेरी जुदा बनी रहेगी। नहीं भाई, तुम्हारी जान हुआ करता था,
कितनी जान था, मैं सब कुछ टीवी पे देख चुका हूँ, सुन चुका। और अगर आदिल तुम्हारा गुलाम हो सकता है तो बशर भी अपनी रुताबा का गुलाम क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम इसके पल्लू से इतना ही बन चुके हो तो प्लीज इसको कहो कि बुलंद को आजाद कर दे ताकि वो हमारी तैयबा की गुलामी कर सके। शराब जस्ट शराब यो शराब। जस्ट शट योर माउथ। आई नो मेरी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के साथ जोड़ा तो मैं पूछो अपने गार्ड से। दो मर्तबा बुलंद आया था तुम्हारी शरीफ जादी से, हाथ क्यों हटा रही हो तुम? ऐसे ही नहीं आजादी के धरने लगा रहा था इसके लिए। ये बीवी है मेरी, ये मेरा राइट है कि मैंने इससे क्या सवाल पूछना है और क्या सवाल नहीं पूछना। रुताबा, आई ट्रस्ट यू। नो आदिल, तुम मेरे बहन ही हो और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यहां से खाना खाए बगैर जाओ। खाना खा के जाना ही। मैंने कहा था ना मेरे बयान के बाद भाई हमसे बददिल लोग हैं। सायरा! Oh my God! Oh my God! We need to rush her to the hospital! We need to rush her to the hospital! आपको बताना चाह रही थी मैं, मुझे मौका नहीं मिला। वो दो बार आया था, दोनों बार मैंने उसे दरवाजे से वापस भेज दिया। पहली दफा वो खुद आया था, अपनी तरफ से मुझे आजाद करना चाह रहा था और मैंने उसे फौरन वापस भेज दिया। दूसरी बार मैंने बुलाया था फशर, वो आपके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा था। मैंने उसको सिर्फ मना करने के लिए बुलाया था एंड आई स्वेयर मैंने उसको दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बाबा, मैंने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। रियली? क्या कह रही है मेरी खामोशी बता। कि आपको मुझ पर एतबार नहीं। आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं ट्रस्ट करता हूं तुम पे। रुताबा, मेरे पहले ही बहुत गुनाह हैं जो बख्शे नहीं जाने वाले। प्लीज मुझ पर और गुनाह मत डालो। और सर, वो तैयबा मैम को हॉस्पिटल लेकर गई है सायरा मैम। ओह गॉड, चलो।
बशर भाई आप मेरी वजह से परेशान ना हो, आप ऑलरेडी बहुत सफर कर चुके हैं। अजीब निराले अंदाज है तुम्हारी बहन के, लॉस इसका हुआ है और एक वो है अपनी स्टूपिड मजलूम हरकतें करके अपने हस्बैंड की सिंपथीज गेन करने की कोशिश करी। बस कर दो सायरा, बस। तुम्हें क्या पता है वो किस घाटे में से गुजरी? तुम्हें नजर आ रहा है तो सिर्फ अपना नुकसान, और वो क्या है? वो ये कि बशर के दिल में रुदामा ने अपनी फतह की झंडी गाड़ दी है। तुम्हें पता है? पता है अगर मर्द अपनी बीवी के साथ खुश ना हो तो किस कदर तड़पता है? अगर ये तड़प तो तुम दोनों बहनों को नजर ही ना आ रही ना। तुम लोगों का बस चले तो उसके सारे रिश्तों की मोहब्बत अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और जरा जरा करके उसके हकदारों में बांटो। अशर मुझे प्लीज घर भिजवा दे। थोड़ी देर रुक जाओ फिर साथ ही चलते हैं। आपका यहाँ रहना जरूरी है, प्लीज मुझे घर भिजवा दे। वो सारा नफरत हो रही है मुझसे। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम जब जब मुझसे दूर जाओगी मेरा जमीर मुझे कोसेगा, बुरा भला कहेगा। प्लीज थोड़ी देर यहां बैठते, फिर मैं थोड़ी सी सेटल हो जाऊंगी। थोड़ी देर क्यों, सारी रात भी तो बैठा जा सकता है। कितने खुदगर्ज हो गए अपनी बहन की मोहब्बत में। मैं बशर की हमदर्दी में खुदगर्ज बन रहा हूँ। Do you know कि रुदाबा बशर के साथ नहीं जाना चाहती थी? हमारे घर को बचाने के लिए वो उसके साथ गई। और तुम्हें तो उनकी अंडरस्टैंडिंग देख के खुश होना चाहिए, ना कि तुम जहर उगलना शुरू हो जाओ। और मेरी बहन जो बशर की बेवकूफियों के नजर हो गई। बशर ने तुम लोगों को मोहब्बत के सवा दिया ही क्या? क्या चाल नहीं चली उसने तैयबा के लिए? क्या क्या नहीं किया उसने? एक मर्जी चलाई उसने अपनी। उसको एक ऐसी आइडियल लड़की चाहिए थी जिसकी जिंदगी में पहले कभी कोई मत ना आया हो। क्या बुरा किया? अगर पांसा पलट गया, अगर उसका नतीजा उलट हो गया तो क्या बशर को खुश रहने का कोई हक नहीं? क्या करे वो, रुदाबा को गोली मार के खुद फांसी चढ़ जाए? वैसे इस बात की गारंटी है कि बुलंद पर यह हकीकत किसी और तरीके से कभी ना खुलती? दौलत, प्यार, सरपरस्ती से नवाजा उसने तुम लोगों को सारी जिंदगी, और तुम लोगों से उसकी एक खुशी नहीं देखी जा रही है। दोनों मियां बीवी को खुश क्या देख लिया, तुम दोनों की तड़प के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज तुम मुझसे इस लहजे में इसीलिए बात कर रहे हो ना क्योंकि हमारे भाई ने हमारे सर पर से अपना हाथ उठा लिया। तुम क्या समझती हो अपने आप को सायरा? तुम किसी रिश्ते के लिए कुर्बानी नहीं दोगी और पूरा जमाना तुम्हारे आगे माथा टेकता फिरे? क्यों? Why? मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारी हकीकत। Let me tell you what you are. तुम एक खुदपरस्त औरत हो, full of yourself, जो कि अपनी बहन के इस्तेमाल करके अपने भाई को कंट्रोल में रखना चाहती है, और तुम्हारी अन्ना की भूख कभी नहीं मिटने वाली। तुम्हारे इर्द-गिर्द तुम्हें रिश्ते नहीं चाहिए, स्लेव्स चाहिए, गुलाम, शौहर के रूप में, बहन के रूप में, नन के रूप में, भाई के रूप में। ऑल यू नीड आर स्लेव्स।
सायरा, आई थिंक तुम्हारा तख्ता उलट गया। बेहतर है कि डिसेंट तरीके से सरेंडर करना सीखो। तुम मेरे साथ घर जाओगी, सायरा के साथ नहीं रहोगी। तुम्हें अपने भाई के घर रहना चाहिए, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो अपने भाई को उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने दो। तुम उसी तरह से रहोगी घर में जिस तरह तुम रहा करती थी, अपनी मर्जी से, इज्जत से, मान से। और नफरत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं और नफरत, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मोहब्बत करना। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने दहकती हुई आग में से निकाल के मुझे ठंडक बख्श दी। मैं चाहते हुए नफरत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कमबख्त इसी नफरत की वजह से दीमक की तरह अपने बच्चे को खा गया मैं। सिर्फ इसी नफरत की वजह से। अशर भाई, ऐसा क्यों किया आपने? बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं नहीं कर You have such a good baby. I remember जब परीजे छोटी थी, she used to drive me nuts. पूरी पूरी रात जागा करती थी, and the next day I would be completely exhausted. मेरे ख्याल में अब इसका नाम रख देना चाहिए। कब तक इसके बाप का इंतजार करेंगे? बशर ने पिक्चर्स भेजी थी। तैयबा, I'm still hopeful. मुझे लगता है कि वो आ जाएगा। और अगर ना आया तो हम उसका नाम रखें। कैसे आना हुआ? आपको ये बताना कि आप हमेशा की तरह फिर जीत गए, और इस बार आपकी जीत सच्ची है। बिना किसी फरेब, जोर और जबरदस्ती के, बिल्कुल सच्ची। मैं अपने तौर पे वहां उसकी मदद करने के लिए गया था, उसे वहां से निकलने के रास्ते सुझाने के लिए। उसने मेरे लिए दरवाजे ही नहीं खोले। मैं समझा वो खौफजदा है, शायद डरी भी है, इसलिए मैं। फिर उसने बुलाया मुझे धमकाने के लिए। मैं तो हैरान देखता था उसे। Thank you.
तो सिर्फ एक बीवी थी जो अपने शौहर के प्यार में बेबस थी। इतना प्यार आपसे कैसे कर सकते? मेरे यकीन करें, वहां कोई समझौता कोई गुजारा नहीं था। मुझे लगा शायद कभी था ही नहीं, शायद मैं एक बहुत बड़ा खामखा हूं। मुझे लगा उसने जो बयान दिया वो सब झूठ है, मगर वही सच निकला और मैं खामखा आपके और उसके दरमियान आ गया। ऐसा ही था ना? ऐसा नहीं था। तुमने जो जो समझा ठीक था, पर उसकी मोहब्बत तो सदियों पुरानी मोहब्बत की चूड़ी खाती है। हो गई, बस हो गई। दुआ थी शायद किसी की, या फिर किसी मरने वाले ने अपनी महरूमियों के एवज मेरे लिए सारी जिंदगी मांग ली। सच है कि मैं जबरदस्ती तुम दोनों के बीच में आ गया था। क्या करता, मुझे तुम तैयबा के लिए बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा कि सिर्फ तुम ही तैयबा को जिंदगी दे सकते हो। जहां तक रही बात रुदाबा की, तो मैं अभी तक उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। यू नो, जब वो मुस्कुराती थी तो दिल करता था कि बस उसे देखता ही जाओ। जब वो इर्द गिर्द होती थी तो सारी खुशियां मेरे इर्द गिर्द होती थी, मेरे आइडियल के फ्रेम में फिट नहीं होती थी वो कभी भी। शादी के बाद मैंने प्रैक्टिकली कई बार सोचा कि इस रिश्ते को खत्म कर देता हूं, फैसला भी किया, पर हालात ऐसे बन जाते थे कि वो बात हो नहीं पाती थी। एक्चुअली कुदरत ने हमें मिलवाना था और मिलवाया। मैंने एक बार उदाबा से कहा था कि ये दुनिया की पहली मोहब्बत होगी जो खौफ की कोख से जन्म लेगी, और ऐसा ही हुआ और होता ही चला गया। हजार बार मैंने ना मानने की कोशिश की, मैंने कहा कि नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं है उससे, लेकिन मोहब्बत ने चीख चीख के मुझे ये बात रियलाइज करवाई कि हां, मुझे उसी से मोहब्बत है। एक सच्ची बात बताऊं तुम्हें, मियां बीवी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। एक दूसरे के लिए इनविजिबल पैक्ट होते हैं, दिल में छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं, पर मोहब्बत करते हैं अंदर ही अंदर से एक दूसरे से। है तो आपको बताने था कि आपकी बीवी सिर्फ आपकी है, कि मेरी वजह से बदल होकर उसकी नाकदरी मत कीजिएगा। पर खुशी हुई ये जान के कि आप भी सब कुछ जानते हैं, सब महसूस करते हैं। आप भी इंसान हो यार, मैं भी बंदा बशर है, गलतियां हो ही जाती है। चलो बोला ना, एक बात करने जाता हूं तुमसे। ये मत समझना कि मैं तैयबा का बड़े भाई होने के नाते एडवाइस दे रहा हूं, बल्कि ये समझो कि कोई ऐसा शख्स है जो बस चलते फिरते तुम्हें मिल गया है और कोई अच्छी बात बोली। तुम्हारी बीवी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, पागल है वो भी तुम्हारे लिए,
मेरी बहन चुप। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब उस शख्स से आप शादी ना कर सकें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपना लेना चाहिए जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि आपके ज़ख्म सिर्फ वही भर सकता है, क्योंकि वो आपके पीछे दीवाना है, पागल है, इश्क करता है। और इन जख्मों को भरना होता है बोला, वरना ये नासूर बन जाते हैं, इनमें से खून रिसने लगता है, जहर बन जाता है इंसान अंदर से, ऐसा जहर कि सांप भी काटे तो मर जाए। और फिर यही सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। हम सब क्या कर रहे हैं, वही जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया। हम में से कौन नॉर्मल है? कोई भी नहीं। मैं, तुम, हम सब, जो जो महरूमियां, जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पेरेंट्स के, अपने कंधों पे लादे बस घूमने जा रहे हैं। लेकिन इस मोहब्बत को लेके चलना है ना यार, किसी ना किसी को तो, किसी ना किसी तरह तो। इसलिए मेरे कहने पे एक दफा थोड़ी देर के लिए अपने अंदर के महबूब का गला घोटो, उस मोहब्बत को जानो जिसकी जरूरत उस बच्चे को, क्योंकि अगर इसी तरह से बच्चों को उनके मां बाप छोड़ के जाने लगे तो फिर कल कोई बशर खड़ा होगा और फिर वो हशर करेगा जैसे, और मैं नहीं चाहता बुलंद कि अब इस माशरे में कोई और बशर पैदा, नहीं चाहता। Oh my God. उनको बिठाओ और हमारे चाय पानी का पूछो। देख मैं बशीर को बताती हूँ, जल्दी से बता दो। बशीर, बुलंद आया है। तो मुझसे मिलने थोड़ी आया? नहीं, तैयबा से मिलने आया है। तो अच्छी बात है, जाए जाके अपनी बीवी से मिले। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम वाकई मुझसे बहुत प्यार करती हो। जैसे उसके हाथ, इसकी आंखों वाला पोर्शन बिल्कुल तुम्हारे जैसे है ना? आज रात हमारी फ्लाइट है, तैयार हो जाओ, मैं लेने आया हूं तुम्हें। इसे एक बार फिर सोच लो बुलंद, कल फिर कोई नई बात, कोई नई हकीकत तुम्हें वही फैसला करने पे मजबूर ना करती। इस तरह के फैसले महबूब क्या करते हैं, शोहर बीवियां नहीं। जो लोग अपने रिश्तों को मौतों पर समझते हैं उन पे अपनी मोहब्बतें कुर्बान कर दिया करते हैं, सिर्फ अपने रिश्तों को बचाते हैं। से भी अब मैंने रिश्ते निभाने का सबक सीखा है। किससे? बशर भाई से।
कभी कभी आपका दुश्मन आपको वो सिखा जाता है जो आपका दोस्त भी नहीं सिखा पाता। तुम उनसे कहाँ मिले? जेल में। जेल में आया था मुझसे मिलने के लिए। क्या आपने बताया क्यों नहीं? अब जरूरी तो नहीं है कि जोरू के गुलाम की तरह अपने बहनों के शौहरों की हर बात में तुम्हें बताऊं। तो चलें ठीक है, जाएं। कह दे अपनी बहन को खुदा हाफिज। नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम मेरे साथ चलो भाई, मेरी इज्जत का सवाल है। चलो आके लड़ लेना। चलो चलो चलो। कितना अच्छा लग रहा ना आज सब। और रुदाबा, आज मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी। ठीक है, खुश रहो। खाना खा के जाना चाहिए, जाने की जिद कर रहे हैं लोग। एटलीस्ट नहीं, एक तो हमारी फ्लाइट है, सेकंडली मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम अपने दादा का घर तो देखे। हाँ जरूरी है। बुलंद, थैंक यू सो मच। नाउ एक और लफ्ज है। क्या? सॉरी। मैंने आपका बदला ले लिया, मैं वैसा बनता चला गया जो जो आपने कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा कमीना, और उन सबको हरा दिया जिन्होंने आपको हराया था, और बता दिया सबको कि जब शरीफ आदमी बदमाशी पे उतरता है तो उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। पर अब थक गया हूं, या शायद जिस मोहब्बत की तलाश थी उसने मेरी दुनिया बदल के रख दी है। आपकी मोहब्बत में दुनिया को हराया, अब रुदाबा की मोहब्बत में दुनिया हारना चाहता हूँ। बस मेरा रब मेरी गलतियों को माफ कर दे। और हाँ, अब अपने नाम का मतलब पूरा करूंगा, बशर हूं तो बशर बन के दिखाऊंगा। और आज मैं अकेला नहीं आया, किसी को मिलवाने लाया हूं आपसे। चले।